आज सब लोग अपने घर में माताजी कोई कलश स्थापित करता है, कोई जवारे बोता है ना, कोई मंदिर में जाकर माँ भगवती के चरणों में जल अर्पण करता है, कोई अपने ढंग से भगवान दुर्गा मैया की लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई अभी गांव-गांव में शहर शहर में लोग माताजी बिठाएंगे, बढ़िया पांडाल बनता है, माताजी को बिठाते हैं, आरती पूजा भक्ति भाव का माहौल हो जाता है। इन दिनों लोगों के विचार भी पवित्र हो जाते हैं। मांस खाने वाले 9 दिन मांस नहीं खाते, शराब पीने वाले 9 दिन शराब नहीं पीते। कुछ लोग ऐसा नियम कर लेते हैं, शराबी लोग भी कर लेते हैं, चलो भैया 9 दिन ना पियो, 9 दिन ना खाओ, ऐसा। मतलब ये पूरे प्रकृति को ना एक पॉजिटिविटी देने वाला समय है। 9 दिन मतलब शराबी भी 9 दिन शराब नहीं पीता, इसका मतलब क्या है? ये इन दिनों का ही तो प्रभाव है। मतलब ये कोई सामान्य दिन नहीं है, ये विशेष दिन है 9 दिन। इन दिनों में की गई पूजा, इन दिनों में किया गया जप तप, नवरात्रि में जो 9 दिन बड़े बड़े योगी अपने साधन को मजबूत करते हैं, ये 9 दिन आप जो भी सिद्ध करेंगे, जो भी जप तप पूजा करेंगे वह सिद्ध होगी। इसलिए नौवीं सिद्धिदात्री चा, इसलिए 9वें दिन को क्या बोलते हैं? सिद्धिदात्री, मतलब हर कार्य की सिद्धि देने वाली। प्रथमम शैलपुत्री हैं तो दूसरी नौवीं सिद्धिदात्री, सिद्धि की प्राप्ति। इसलिए कोई भी आप पाठ माला जपते हो ना, इन 9 दिनों में खूब बढ़िया से माला जपना, भगवान का खूब स्मरण करना, ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम जप, गुरु मंत्र का जाप ज्यादा करो, भगवान का चिंतन ज्यादा करो इन 9 दिनों में। ये 9 दिन विशेष दिन माने जाते हैं, सामान्य दिन नहीं है। इन 9 दिनों में किया गया जप तप कई गुना फलदायी होता है, किया गया अनुष्ठान सिद्ध होता है, सिद्धि मिलती है। बड़े बड़े लोग जो समझदार ज्ञानी विज्ञानी जन हैं, इन दिनों में राम रक्षा स्तोत्र में ही लिखा हुआ है कि नवरात्रि में 9 दिन जो इस स्तोत्र का पाठ कर लेता है वो सिद्ध हो जाता है तरीके से। मतलब कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो वो सिद्धि को प्रदान करने वाला होता है। इसलिए आज आप लोग भी दुर्गा, आप भी माता जी बिठाते हो, आज गौरी गोपाल आश्रम में भी आज माता जी बिठाई गई, आज माता जी आई हमारी, और माता जी की आरती भी दास अनिरुद्ध ने उतारी, माता जी की सेवा भी की और माता जी का आशीर्वाद भी लिया। आज गौरी गोपाल आश्रम में, ये जो नया आश्रम है, इस आश्रम में आज कुछ 2-4 रूम जो तैयार हुए हैं, उन रूमों में आज माता जी को बिठाया गया है ना। आज हमारी वृद्ध माताओं का आगमन आज हुआ है, और आप सभी लोग भगवान से यही प्रार्थना करें कि हम तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी अपनी अपनी माता जी को खूब पूजा करो। आज ये गौरी गोपाल आश्रम में 1-2 रूम कुछ रूम तैयार किए हैं अभी, कि माताओं को हमारी, अभी किराए से माताओं को रखना पड़ता था ना, तो जो हमारी माताएं अभी किराए से रहती थीं, दूसरी जगह रहती थीं, आज उनको गौरी गोपाल में ही शिफ्ट किया गया है कुछ माताओं को। तो ये नवरात्रि का पहला दिन है, हमने कहा चलो माता जी का दिन है तो माता जी की पूजा सेवा से स्टार्ट किया जाए। तो आज माता जी की पूजा की गई, माता जी का पदार्पण हुआ, ये माताओं की सेवा। नवरात्रि है मतलब अपनी माँ की सेवा कीजिए, अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए।